हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका TCS पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि बताया था आपको कि आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए करंट अफेयर की एक श्रृंखला मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस करंट अफेयर की श्रृंखला में हम उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम इसमें जैसे करंट अफेयर में आपको एक चीज पता होगी और नहीं भी पता होगी तो ये बात आपको जाननी चाहिए। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है ये नहीं जानना होता है कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इतने सारे करंट अफेयर्स जो आपके सामने उपलब्ध हैं, उसमें से किन कौन से करंट अफेयर को पढ़ना है, और इससे ज्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि किसको हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे आपके लिए उन सारे प्रश्नों को खंगालने के बाद जो सीधे जो एकदम अति संभावित हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इस सीरीज में रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग सोचे थे कि आपके सामने लाइव होंगे और लाइव भी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो पाए। आने वाले टाइम पे हम लाइव होंगे, ठीक है। तो जो रेगुलर जो अपडेट है आपको, लगभग ये जो करंट अफेयर की वीडियो जो मिलेगी आपको, शाम को 7 बजे उपलब्ध होगी, और आने वाले टाइम पे इसी समय पे हम लोग करंट अफेयर को लाइव भी डिस्कस करेंगे। तो चले बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने पठन पाठन के कार्यक्रम को। तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको आप देखें। मैं सोचा था ये कि आपको जो है एक टॉपिक वाइज कवर कराएं चीजों को और डिटेल में कवर कराएं, लेकिन लाइव वो डिस्कशन ज्यादा सार्थक होता। हम अभी के डेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पढ़ें इसको, कह रहा है कि कहां की राज्य सरकार ने किस एक नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का चयन करने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य रहा है, और ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो प्रश्न है ये हमारे करंट अफेयर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी यहाँ पे प्रश्न आपको मिलेंगे, समझ जाओ कि ये एग्जामिनर ने या तो पहले से ही प्रश्न में बना लिया है, सेट में सेट है, और या फिर ये देखोगे ये डायरेक्टली किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं या पूछे जाएंगे, समझो इस बात। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो इस प्रश्न को लाने के पीछे, देखो ये जो प्रश्न है ये आपके जुड़ा है इन्वायरमेंट से। तो देखिए जो भी आपका प्रश्न महिला से संबंधित, वीकर से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित, जैसे ही कोई प्रश्न मिले और वो महत्वपूर्ण हो तो वो आपके कान वहीं सचेत हो जाने चाहिए और वहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए। तो चले देखते हैं। तो ये जो बात है, ये जो है ओरांग नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क के पहले जो है नाम था इसका राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, और वहां के लोगों के द्वारा मांग होने पर सरकार ने क्या किया कि इसके आगे से जो राजीव गांधी नाम था इसको हटा के अब केवल जो इसका नाम रख दिया है ओरांग नेशनल पार्क है। और वो आपसे पूछे कि ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है और क्यों चर्चा में रहा है, तो आप इसकी बात दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों की। तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ देखेंगे आप कि काजीरंगा और मानस, ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ है आपके? असम में। तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि करंट अफेयर के संबंधित एक दो जो जीके के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं उनको भी शामिल करते हुए चलेंगे। तो अभी अभी के डेट में आपसे अगर कोई पूछे कि जो है असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 7 है, और इस 7 संख्या के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क वाला राज्य जो है असम। और फर्स्ट नंबर पे आपसे अगर पूछे कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है 9, ठीक है। और आपसे पूछे कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया, यानी अंतिम किसको शामिल किया गया था, तो वो है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो समझे दोस्त, तो सबसे पहला प्रश्न आप इसका एक नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आपसे ये निवेदन होगा कि इन सारे प्रश्नों का एक नोट्स तैयार करेंगे, और ये जो नोट्स होगी आपके एग्जाम के पहले एक बार आप पढ़ के चले जाएं, चाहे जो भी एग्जाम हो आपके,
टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, रेलवे हो, आप देखोगे कि आपके कॉपी से ही सारे प्रश्न पूछ लिए गए। चलें, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान या ओरांग नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो, सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, आपसे अगर कोई देश में कोई बहुत बड़ी घटना घट रही हो और पहली बार हो रही हो, तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महिलाओं ने अगर कोई उपलब्धि प्राप्त की है देश में पहली बार, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहां एग्जामिनर का ध्यान जाता है और वहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये भी जो है वीकर सेक्शन में आते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला जो आपका राज्य है, इसको याद कर ले दोस्तों, ये भी जो है आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब बात कर लें, तो ये आपको याद रखना है कि 1% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। अब आरक्षण की हम बात करें, तो आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में आप पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आरक्षण से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 दोनों आरक्षण से संबंधित है, आप इस बात को जानिए। अब हम बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण से संबंधित अगर आपसे आयोग पूछ दे, तो मंडल आयोग इससे संबंधित है। तो ओबीसी आरक्षण के लिए जो हम बनाए थे जिस आयोग को, वो है मंडल आयोग। आपसे इससे संबंधित एक केस पूछता है एग्जाम में, आरक्षण से संबंधित कौन सा केस महत्वपूर्ण है। ये आपका जो क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, इंदिरा साहनी केस 1992। इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है, तो आरक्षण से संबंधित है। वर्तमान की बात कर लें, तो जनरल वर्ग को आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया। जो जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यानी ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा संशोधन था संविधान का। तो 103वां संशोधन 2019 के तहत इसको शामिल किया गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन लाया गया, वो किस सन में लाया गया और वो कौन सा संशोधन था, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आरक्षण से संबंधित कुछ तथ्य थे जो आपके सामने हमने रखे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जुलाई 2021 में किस राज्य में विधान परिषद के गठन को विधानसभा ने मंजूरी प्रदान की। ये राजनीतिक, आज कुछ राजनीतिक मुद्दों को देखेंगे देश में जो घटित हुए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा ने किसकी मंजूरी दी, विधान परिषद को। तो कौन से राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी, यानी विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा ने क्या किया, विधेयक पारित किया। तो वो जो है पश्चिम बंगाल राज्य होगा। पश्चिम बंगाल में जैसा आपको पता है कि अभी अभी टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सरकार बनी है, उन्होंने चुनाव जीता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं, विधानसभा में पश्चिम बंगाल के आपसे अगर पूछ दे कि कितनी सीटें हैं, तो 294। देखें, पश्चिम बंगाल इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो इसलिए हो गया है कि अभी यहाँ पे चुनाव हुए थे, जहाँ पे टीएमसी को बहुमत मिला है। विधान परिषद में जो एक्सपेक्टेड सीट रहने वाली है 98 रहने वाली है। राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या पूछ दे कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 16, और ये किसके बराबर है, तो बिहार। तो बिहार में भी राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 16। सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा में सीट पूछ दे तो यूपी में है 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18। ये कुछ जीके के संबंधित क्वेश्चन हैं जो आप साथ में करंट अफेयर के देखते हुए चलेंगे। विधान परिषद वर्तमान में, देखो बच्चों, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप पॉलिटी की सीरीज लगातार फॉलो करते रहिए। पॉलिटी की सीरीज में पॉलिटी से संबंधित आपके जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, टॉपिक्स हैं, वहां डिस्कस किए गए हैं, तो उसके लिए आप वहां पे भी जाके इस चीज को फॉलो कर सकते हो। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि देखें, किसी भी शासन को चलाने के लिए शासन से संबंधित जो भी प्रोविजन है आपके, जैसे कि हम बात करते हैं केंद्र
का शासन, केंद्र के शासन को हम दो स्तर पे, केंद्र की जो विधानसभा है जो कानून बनाती है, विधानमंडल है, उसको दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं राज्यसभा और एक को कहते हैं लोकसभा। तो आपसे जब पूछता है कि हमारा सदन कैसा है तो द्विसदनीय, द्विसदनात्मक है। इसी तरह से राज्यों को भी ये छूट है कि वो भी अपना दो सदन रख सकते हैं। तो राज्य या प्रांत के मामले में बात करें तो वहां भी विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। और ये राज्य की इच्छा पे छोड़ दिया गया है कि विधानसभा तो हर एक राज्य में होगी, लेकिन विधान परिषद राज्य अगर चाहे तो वहां विशेष बहुमत से इसको पारित करके केंद्र के पास भेजेंगे और वहां की संसद अगर इस बात की अनुमति दे देती है तो वहां पर विधान परिषद का गठन हो सकता है। तो समझें कि अभी जो है, अभी वर्तमान में बात कर लें, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में अभी कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। सबसे पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा बिहार और छठा उत्तर प्रदेश। इन 6 ही राज्यों में अभी विधान परिषद मौजूद है, बाकी में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। और आपसे अगर ये पूछ ले कि विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 169 यानी 190। आप इस बात को इस करंट अफेयर के साथ जोड़ के पढ़ते हुए चलेंगे, बाकी और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी पॉलिटिक सीरीज फॉलो करें। पश्चिम बंगाल आप याद रखेंगे, अभी वर्तमान में इसने विधान परिषद, इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी, बाद में उसने हटा दिया था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखें मोदी सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है। ये समझ लें कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी है नया एक मंत्रालय बनाया गया, समझे आप। इस नया मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय। क्या नाम है? सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। आप समझिए सहकारिता मंत्रालय का गठन क्यों किया गया है और सहकारिता मंत्रालय का मतलब क्या है। सहकारिता अगर शब्द को समझे तो सहकारिता का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। यानी सरकार क्या करती है कि कुछ प्राइवेट फर्म के साथ, चाहे कुछ प्राइवेट फर्म स्वेच्छा से एक साथ मिलकर किसी एक टारगेट को मकसद करके काम करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सहकारिता के द्वारा ही हमारे देश में श्वेत क्रांति लाई गई थी, जिसके जनक आपसे अगर पूछे तो वर्गीज कुरियन है और अमूल दूध का नाम सुना होगा। तो बहुत सारे हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके लिए कई सहकारी समितियां बनी हुई है और सहकारी समितियों का प्रावधान हमारे संविधान में भी है। तो सहकारी समितियों से संबंधित जो प्रावधान है, देखें एक तो आप जानेंगे कि अनुच्छेद 19(1)(c) में भी इस सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है और सहकारी समिति का प्रावधान संविधान के भाग 9(b) में है। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि बताएं संविधान के भाग 9(a) में क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में दें। इसके अलावा सहकारिता, सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है, DPSP जिसको कहते हैं, ये भाग 4 और अनुच्छेद 43(b). तो समझे, ये अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भाग भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको वर्तमान में सहकारिता की चर्चा चल चुकी है, सहकारिता मंत्रालय बन गया है। और देखें अभी पिछले जो पेपर हुआ था PCS का, वहां पे ये अनुच्छेद 43(a) यहां से क्वेश्चन भी बन गया था। तो जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन भी बनते हैं वो कहीं ना कहीं वर्तमान को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। उद्देश्य क्या है इस मंत्रालय का, कि समानता के आधार पर मिलजुल कर काम करना। तो सहकारिता मंत्रालय, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बताऊं कि आप एग्जाम्पल देखे होंगे कि आपके आसपास सब लोग दूध लेके जाते हैं और दूध क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होता है, हो जाता है। इससे क्या हो गया है कि बिचौलियों का
जो लफड़ा होता था वो खत्म हो गया है। अब क्या है कि हम एक किसान हैं, हम एक कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं गांव देहात में, तो एक साथ मिलकर क्या होगा कि हम डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को एक जगह बेच सकते हैं और जिसका हमें सही दाम मिल सकता है। तो लज्जत पापड़ का उदाहरण आपने देखा होगा, अमूल दूध का जो उदाहरण है, ये सब सहकारिता से ही संभव हुआ है। तो आप समझेंगे कि सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय बनाया गया है, और अब आपसे अगर ये कोई पूछ दे कि इस सहकारिता मंत्रालय के वर्तमान में सबसे पहला मंत्री कौन बने हैं, तो इसके मंत्री जो बने हैं वो गृह मंत्री ही हैं। तो गृह, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है। तो इसका जो आंसर है, रेबीज मुक्त राज्य जो है हमारा सब बना है गोवा, याद रखेंगे और डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। और ये जो वही क्वेश्चन है, फिर आपसे बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये वही प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके 10 पन्ने आपके एग्जाम में बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं, तो आप नोट्स बनाते चलेंगे। तो रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो गोवा। आपको बता दूं कि रेबीज क्या है, तो रेबीज एक वायरस से होने वाला रोग है। रेबीज क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। जैसे कि आपको पता होगा कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, कि हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित है, तो रेबीज से। इसका प्रभाव क्या होता है रेबीज में, कि हाइड्रो, इसका नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी जल, और फोबिया का मतलब होता है भय, डर, ये रूट वर्ड है। तो इससे इस वायरस का संक्रमण होने पर, चाहे इस रोग से आप ग्रसित हो जाते हो, तो जो पेशेंट है वो पानी से डरने लगता है, और इसका प्रभाव आपके किस अंग पे पड़ता है, तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पे ये असर डालता है आपका वायरस। तो रेबीज में जो पूछेगा आपसे हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, तो रेबीज से। और रेबीज कैसा रोग है, तो वायरस से होने वाला रोग। और ये जो वायरस का अगर आपसे नाम पूछ दे कि कौन से वायरस से ये फैलता है, तो रैबडो वायरस। इस नाम रेबीज का क्या नाम है, किस वायरस से फैलता है, तो रैबडो वायरस। और वायरस से जब चुकी आप लोग परिचित ही है, हम लोग कोरोना पूरा वायरस से ही झेल रहे हैं अभी तक उसका प्रभाव। और देखा आपने कि कैसे कोरोना से संबंधित वायरस, आपको पता होगा कि वायरस एक प्रोटीन से निर्मित कवच होता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए के रूप में अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर कोई वायरस डीएनए इसके अंदर है तो डीएनए वायरस कहलाता है, और आरएनए है तो आरएनए वायरस कहलाता है। जल्दी ही हम आपके सामने साइंस की भी एक श्रृंखला लाएंगे जहां पे आपको इन सब टॉपिक पे अच्छी खासी जानकारी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं ये वायरस जो होता है किसके किसके द्वारा फैलता है। तो आप रेबीज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुत्ता आता है, कि कुत्ते के काटने से ही केवल ये रेबीज फैलता है। हालांकि ये बात सही है, लेकिन केवल कुत्ता नहीं, इस बात को समझे आप। अगर आपसे प्रश्न आ जाए और विकल्प में ये रहे कि रेबीज केवल कुत्ते के काटने से फैलता है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। कुत्ते के साथ साथ अन्य जानवर भी है, बिल्ली, चूहा, खरगोश, चमगादड़, ये भी इस वायरस के वाहक हो सकते हैं, और इनके काटने पे भी रेबीज फैल सकता है। तो सबसे पहली बात इस करंट अफेयर को याद रखेंगे कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है, तो वो गोवा। इस प्रश्न को आप लिख लेंगे, इसके साथ ही कुछ अन्य तथ्य अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखें सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है। तो भारत में कुछ कोई राज्य चाहे कोई ऐसी घटना जो पहली बार हो रही है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके साथ साथ देखें ये पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण और महिला दोनों ही बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। तो आगे देखें आप, तो इसके आपको मैं बता दूं कि सैटेलाइट वाला फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल उद्यान बन गया है। और काजीरंगा आपको पता होगा बहुत ही फेमस है, असम में स्थित है। आपसे पूछे काजीरंगा कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, असम में स्थित है। सैटेलाइट फोन जो है ये 10 लाख का है, अरे 16 लाख का इस पे खर्च हुए हैं, 16 लाख टोटल, और 10 सैटेलाइट फोन लगाए हैं। और आपसे पूछ दे कि किस कंपनी ने लगाए हैं, तो बीएसएनएल कंपनी ने इस राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फोन बनाए हैं। तो चलें आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है। देखिए भारत में पहली बार हो रहा है, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है, और ये शहर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और
पूछा जाता रहा है, तो वाटर प्लस शहर, जल्दी कोई शहर इस मानक को पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो 4 बार लगातार स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर चुका है, इसने ही अपने इस मानक को पूरा किया और वाटर प्लस शहर बना। और ये जो बनाया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत, इसे वाटर प्लस शहर का दर्जा दिया गया है। वाटर प्लस शहर का दर्जा उस शहर को दिया जाता है जहां नदियों और नालों से संबंध के स्वच्छता को लेकर कुछ मानक तय किए गए हैं, जो शहर उन मानक को पूरा करता है, जहां पे नदियां और नाले को जो सफाई से संबंधित स्टैंडर्ड है उन सारे स्टैंडर्ड को ये शहर पूरा कर रहा था। इसीलिए भारत का पहला वाटर प्लस शहर इसको घोषित किया गया इंदौर को। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप। चले पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी कौन बन गई है। देखें मैं फिर से कह रहा हूं कि पहली कोई बहुत बड़ी घटना हो रही हो तो वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं कि भारत में कुछ पहली बार हो रहा है। देखें, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी कौन बन गई है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही फेमस भी है, केवड़िया। केवड़िया कहाँ है, तो गुजरात में, और यहीं पे आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मिलती है। और गुजरात से संबंधित एक और तथ्य आप जानेंगे, उद्यान पूछते हैं आपसे कि गुजरात में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से संबंधित है, जहाँ पे गिरवन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बात आप समझिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसकी रक्षा के लिए वहां पर प्रदूषण ना हो, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को लाया कि वहां पे इलेक्ट्रिक वाहन को ही चलाया जाए, ताकि लंबे समय तक वो जो स्टेच्यू बनाई गई है वो सुरक्षित रहे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी कौन है, केवड़िया गुजरात, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया है। पूरी तरह से विद्युतीकरण वाला रेलवे जोन है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, भारत में पहली बार हो रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। रेलवे जोन से संबंधित ये प्रश्न है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि पहला सोलर पावर स्टेशन कौन है, तो गुवाहाटी जो असम में है। आइए आपको रेलवे जोन से संबंधित अगर कुछ जीके आपको अगर पूछता है, तो जोन रेलवे जोन से संबंधित 2-4 बिंदुओं को आप जानते रहें। जैसे अभी आपका नाम लिया पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, तो रेलवे जोन से संबंधित देखें, अगर 4 दिशाओं को हम बात बांट लें, आपने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे दिशाओं के बारे में, तो देखें सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और राइट हैंड में पूर्व। इसके अलावा उत्तर और पूर्व में जो दिशा पड़ती है, उत्तर पूर्व और पश्चिम और उत्तर, उत्तर और पश्चिम के बीच जो पड़ती है उसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं, और दक्षिण और पश्चिम के बीच जो दिशा पड़ती है दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। यहीं पे आप रेलवे जोन से संबंधित जानकारी लेते हुए चलें कि देखिए, जो पश्चिम में है पश्चिमी रेलवे जोन, उसका मुख्यालय आपसे पूछता है कि पश्चिमी रेलवे जोन कौन है, डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछ देता है, तो आप बताएंगे वो कहाँ है, मुंबई। फिर आपसे पूछे कि पूर्वी रेलवे जोन कौन है, तो कोलकाता है। उत्तरी रेलवे जोन कहाँ है, तो दिल्ली में है। और बीच में देखिए, पश्चिम मुंबई, उत्तर दिल्ली, पूरब कोलकाता और दक्षिण में क्या है, चेन्नई, ये चारों महानगर है, महानगर में स्थित है रेलवे जोन। और बीच में मध्य रेलवे जोन जो है आपका कहाँ है, मुंबई में, मुंबई में। इसी के साथ आप इस बात को जानें कि उत्तर और ये जो बीच है, बीच में मध्य में, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन, समझे, ये मध्य में है और उत्तर में, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन कहाँ है और कौन है, कहाँ पड़ता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद है। देखिए यहाँ पे बात आया ना, फिर देखें दक्षिण मध्य रेलवे जोन कहाँ है, तो सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ है, तो जबलपुर। फिर इधर देखें उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कहाँ है, जयपुर। इसके अलावा आप इस बात को जानेंगे कि उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर। और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो हुबली, हुबली नहीं,
ध्यान रखेंगे हुबली, और इसी के साथ आप देखें दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता है। ये सारे बिंदुओं को आप इसके साथ में देखते हुए चलेंगे और एक बार इस मैप को अपने कॉपी में ड्रॉ करके बना लेंगे तो ये तथ्य भूलेगा नहीं, बीच में जो है मध्य है, इधर मध्य में मुंबई है, पश्चिम में मुंबई पड़ता है तो पश्चिमी जोन का मुख्यालय मुंबई में है, उत्तरी जोन कहाँ है दिल्ली, पूर्वी जोन कोलकाता, दक्षिणी जोन चेन्नई। पूर्वी और दक्षिणी कोलकाता में, उत्तर पूर्व जोन कहाँ है गोरखपुर, उत्तर पश्चिम कहाँ है जयपुर, दक्षिण पश्चिम कहाँ है हुबली, उत्तर और मध्य के बीच उत्तर मध्य का जोन कहाँ है इलाहाबाद, पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ है जबलपुर, और दक्षिण मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद। इन सारे तथ्यों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये जो आज का हमारा प्रश्न है अगला, भारत का पहला विरासत संस्थान कहाँ बनने जा रहा है। देखिए फिर पहली बार कुछ हो रहा है बड़ा भारत में तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसका आप सीधा सा उत्तर जानते हुए आगे बढ़े, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। भारत का पहला विरासत संस्थान कहाँ बनने जा रहा है, विरासत संस्थान आपको हेरिटेज हमारे यहाँ पे। अब देखें जैसे कि योगा में डिग्री दी जा रही है, आप ग्रेजुएशन करते हैं उसकी डिग्री ले रहे हैं, अब हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं जहाँ पे हेरिटेज से संबंधित आप डिग्री प्राप्त करेंगे, समझे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे कि पहला विरासत संस्थान भारत में कहाँ बन रहा है तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अगला जो हमारा 11 नंबर प्रश्न, देखें भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, भारत में पहली बार अगर कुछ हो रहा है और वो भी इन्वायरमेंट से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षण संस्थाओं से संबंधित, वो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रश्न। तो आप याद रखेंगे कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा तो बिहार में, बिहार की राज्यसभा की सीट कितनी है 16। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। खाद्यान्न एटीएम कहाँ स्थापित किया, गुरुग्राम में, गुरुग्राम। खाद्यान्न एटीएम से क्या तात्पर्य है कि जैसे अभी आप एटीएम में जाते हो और एटीएम डाल के पैसा निकाल लेते हो, वैसे ही सरकार जो सब्सिडी देती है, अनाज वितरित करती है, उसके लिए आपके पास एक कार्ड बना होगा, आप जाओगे एटीएम में कार्ड डालोगे और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां से आपको अनाज मिल जाएगा। अब सोच के देखो कि ऐसे एटीएम अगर हम हर जगह लगा दें और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ देने के लिए एटीएम बहुत ही कारगर होगा। तो आज हमने करंट अफेयर के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे आपके सामने। और मैं बताता चलूं कि इन सारे प्रश्नों को आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, और जो हमारी समय होगी आपको वीडियो मिलने की वो शाम को 7 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, करंट अफेयर की सीरीज को। इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। ये आपको मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि आप देखोगे एग्जाम देने जाओगे और शुरुआती के ही कुछ वीडियो आप देख के जा रहे हो और देखोगे डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए गए, क्योंकि हम इसमें वही प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।